पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज की निवासी पद्मश्री भागीरथी देवी विधायक राम नगर विहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर विफर पड़ी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से सरकार को राजस्व हानि हुई है, जिसकी भरपाई महंगाई और टैक्स बढ़ाकर बिहार की जनता से कराई जा रही है। शराब प्रकरण में नीतीश पर सीधा हमला बोलते हुए पद्मश्री भागीरथी देवी ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद शराब का मिलना, बेचना, बिछवाना, निर्माण कराना सब उनका और उनके लोगों का काम है। बिहार में गोपालगंज शराब पीकर लोग मरे तो सरकार पर आपका क्या कहना, सरकार की शराबबंदी कैसे? गोपालगंज की शराब में टोटल विधायक लोग गोपालगंज देने का आधा विधानसभा छोड़ते, घर घर घूमने हर जगह, लेकिन वहाँ यह बाकी मैंने ना मौजा देवे की सरकार सकारत रह, वहाँ जे भी बस गरीब आदमी नीतीश कुमार जी से आके कहल गई तो आग बबूला हो गई। आग बबूला हो गया के बाद तो लोग पीकर मरता है तो हम क्या करें? हम पीकर मरता है तो दारू के मालिक तो वह बड़े नीतीश कुमार शराब के मालिक बड़े, शराब बेचवावत अरन, शराब पकड़वावत अरन जो सही बा, शराब के भट्टी चला रहा बा, ओकरा कोई खोज नहीं के, आ जे पी के गरीब आदमी आवत तो ओकरा के पकड़ के जेल दिलावल जाए। नीतीश कुमार के तो विकास के कोई मतलब नहीं के कि विकास का हो आ ना, सिर्फ दारू उनकरा नज़र में बा कि हाँ हम दारू पर बानी आ दारू बेचवावत नहीं। नीतीश कुमार के कोई तरह के कोई अथी नहीं के, हमी के विधानसभा आ चार दिन विधानसभा ना चले दे नहीं है।